क्रांति पर कुम्हार खाड़ी कुश्ती स्टेडियम में सर्वश्री गोविंद सिंह भैया जी की स्मृति में निःशुल्क कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बालिकाओं ने हिस्सा लिया। फिल्म दंगल के बाद कुश्ती में बालिकाओं की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। इसकी झलक देखने को मिली इंदौर के बाणगंगा स्थित कुम्हार खेड़ी कुश्ती स्टेडियम में, जहां पर इंदौर जिले के आसपास की कई बालक बालिकाओं ने कुश्ती में अपने हाथ आजमाए। दरअसल प्रतिवर्ष श्री गोविंद जी भैया जी की स्मृति में निःशुल्क कुश्ती दंगल का आयोजन किया जाता है। कुश्ती के आयोजक कमल शुक्ला ने बताया कि पिछले कई वर्षों से श्री गोविंद जी भैया जी की स्मृति में यह दंगल किया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से यह दंगल नहीं हो पाया था, जिसके बाद फिर से एक बार मकर संक्रांति पर यह निःशुल्क कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक संजय शुक्ला, आयोजक बाल भीम व्यायामशाला बाणगंगा के दयाल यादव प्रमुख थे। निःशुल्क कुश्ती दंगल में 19 मुकाबले खेले गए। जो जैसलमेर हुआ वो एक पहले से काफी पहलवान यहाँ पर आया अपनी कला दिखाने के लिए, और जितने भी प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं उनसे निवेदन है और एक के बाद एक वो आए और हमारे लगाए बैठे करीब 63 कुश्तियाँ यहाँ पर है। स्वर्गीय गोविंद सिंह भैया जी हमारे मामा जी थे, उनकी स्मृति में मकर संक्रांति को जो दंगल होता है ये विगत कई वर्षों से हो रहा है। अभी बीच में 2-3 साल नहीं हो पाया, 5 साल पहले हुआ था, उसके बाद अब वापस से चालू हुआ है और अब हमारी ऐसी इच्छा है कि इसको बहुत अच्छा ऐतिहासिक दंगल इसको आगे चल के और करते रहें। कहाँ कहाँ से पहलवान आए इस कुश्ती में? मध्य प्रदेश के लगभग अधिकतर जगहों से यहाँ पहलवान, जबलपुर, धूलिया, भोपाल, इंदौर, मऊ, सब दूर से यहाँ पे पहलवान आए हैं और आपको बहुत अच्छी कुश्तियाँ देखने को मिलेगी।